वहीं कांग्रेस की बैठक में सामने आई है नाराजगी। बड़े नेताओं पर हारे हुए प्रत्याशियों ने आरोप लगाए हैं। गुना के कांग्रेस प्रत्याशी पंकज कनेरिया ने आरोप लगाया, कांग्रेस में आस्तीन के सांप खुले में घूम रहे हैं। पंकज ये बात कह रहे हैं, हम अपनी बात कहां पर रखें? ये सवाल पंकज कनेरिया की तरफ से उठाया जा रहा है। मुंगावली कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह ने बैठक में कहा है कि पार्टी के खिलाफ जिन्होंने काम किया, अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही परिणाम सामने आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि पार्टी खाली कर दो, लेकिन जिसने खिलाफ काम किया है उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। बीजेपी में लाडली बहना चली, हमारे पास भी बहनों के नंबर थे। बीजेपी के पास जो बहन फोन नंबर थे बहनों के, उन्होंने बहनों को फोन लगाकर कहा वोट नहीं दिए तो पैसे मिलना बंद हो जाएंगे। हमारे पास नंबर होने के बाद भी हम प्रदेश स्तर से फोन नहीं करवा पाए। तो कुल मिलाकर आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। और संवाददाता शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, देखिए कांग्रेस की बैठक में नाराजगी सामने आई है, जो इलेक्शन में हार हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं नेता असंतुष्ट हैं और कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इस बात में कितना दम नजर आता है, और क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी सामने है तो इसको, इसका सलूशन तो निकालना होगा। शब्बीर देखिए, बिल्कुल बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से बैठक बुलाई गई थी कि लोकसभा के चुनाव की तैयारी अच्छे से हो, हारे हुए प्रत्याशियों से फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिर हार क्यों हुई है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर तमाम नेताओं ने, हारे हुए प्रत्याशियों ने एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा है, लेकिन इन सबके बीच देखने वाली बात यह है कि गंभीर आरोप बड़े नेताओं के ऊपर भी लगाए गए हैं, क्योंकि कई नेताओं ने बात की जाए, जैसे अनुपपुर रमेश सिंह की बात करें, या फिर हम पंकज सरोनिया की बात करें जो गुना से प्रत्याशी थे, यादवेंद्र सिंह की बात करें जो मुंगावली से कांग्रेस के प्रत्याशी, इन सभी ने यह कहा है कि कांग्रेस के अंदर आस्तीन के सांप है और वो खुले में घूम रहे हैं और उनको बड़े नेताओं का साथ भी मिलता है, यानी बड़े नेता भी इस भीतरघात के अंदर शामिल है, कांग्रेस को हरवाने में शामिल है। ये सीधे तौर पर कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ बैठक के अंदर कमजोर संगठन को लेकर भी सवाल उठे हैं, और बात की जाए तो सीधे तौर पर यह कहा गया है कि एक तरफ लाडली बहना थी उनके पास, बाकायदा बीजेपी की तरफ से तमाम लाडली बहनाओं को फोन लगा के ये कहा जा रहा था कि आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो ये योजना बंद हो जाएगी और नंबर हमारे पास भी दे, लेकिन हम फोन नहीं लगवा पाए और महिलाओं को से हम संपर्क साध नहीं पाए, इसी के कारण 50% से ज्यादा महिलाओं ने कांग्रेस का साथ ना देते हुए बीजेपी का साथ दिया, इसी के कारण ये सब चीजें हुई हैं। और इसके साथ साथ विधायक भी रहे, निर्दलीय विधायक चुनकर आए थे पिछली बार, सुरेंद्र सिंह चेरा जो कांग्रेस से इस बार प्रत्याशी थे, उनका तो सीधे तौर पर यह तक कहा गया है कि ईवीएम को लेकर एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए, पूरे देश भर के अंदर दिल्ली में बड़ा आंदोलन होना चाहिए। बैठक के अंदर भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन इन सबके बीच शेरा ने एक चीज सबसे महत्वपूर्ण कही है, वो ये कहा गया है कि जो पर्यवेक्षक आते हैं चुनाव को लेकर, जिन जो टिकट को लेकर मंथन किया जाता है, वो किसी काम के नहीं होते, वो आकर और खेल बिगाड़ते हैं और पार्टी के अंदर खींचतान और बढ़वा देते, गुटबाजी और बढ़वा देते, उनको भेजने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रत्याशियों को चुनना ही है तो बायोडाटा मंगवाए पीसीसी में और यहीं से ही फैसला ले, ना कि जिले में फैसला ले। जिले में जाते हैं पर्यवेक्षक तो फिर गुटबाजी को बढ़ावा देते हैं, कुछ नेताओं को बढ़ावा देते हैं और उसी के कारण पार्टी के अंदर खींचतान रहती। तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने हार को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई थी, लेकिन और इसके साथ साथ लोकसभा को ध्यान में रखते हुए बैठक बनाई थी कि कार्यकर्ता उत्साह में, लेकिन हो रहा है पूरा उलट। कांग्रेस में हार के बाद हाहाकार मचा हुआ, कांग्रेस के नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से रणनीति बनाई। शब्बीर, आप बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे ताजा अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।